नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूं। मैं आपका मित्र अशोक शर्मा इस चैनल पर विभिन्न कानूनी टॉपिक्स को प्रतिदिन नए नए वीडियोस लीगल वीडियोस के माध्यम से आपको स्पष्ट कर रहा हूं स्थिति। और आज का जो विषय है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 13 दिसंबर 2022 को एक अहम निर्णय जिसमें चीफ जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ साहब एवं चीफ जस्टिस नरसिंगा के द्वारा ये कहा गया कि जो महिला अधिकारी है सेना की उनको प्रमोशन से वंचित नहीं किया जा सकता, मनमाने ढंग से उनके प्रमोशन को नहीं रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद इंडियन आर्मी ने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में वुमन आर्मी ऑफिसरों के पदोन्नति दिए जाने पर अपनी सहमति दी थी। महिला सेना अधिकारियों के पदोन्नति के रास्ते माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खोल दिए गए हैं। दिनांक 25/3/2021 के फैसले का पालन नहीं हुआ था। अब उन्होंने ये कहा कि महिलाओं के लिए 9 जनवरी 2023 से रिक्रूटमेंट और प्रमोशन पर विचार भी किया जाएगा। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और नरसिंगा ने अगली सुनवाई के लिए मामला 30 जनवरी 2023 को नियत किया है और अपनी अब सहमति दी गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से श्री वी मोहना पेश हुए थे। आर्मी अधिकारियों और महिला जो अधिकारी हैं उन्हें प्रमोशन से वंचित कर दिया गया था और केवल पुलिस अधिकारी जो उनसे जूनियर थे 1200 लोगों को प्रमोशन दे दिया गया था। तो केवल पुलिस अधिकारियों को पदोन्नति नहीं दी जा सकती, ये आर्बिट्रेरी है। भारत संघ के वकील को भी उन्होंने ओरली सुना और ये कहा कि आप निष्पक्ष नहीं रहे हैं ऐसा लगता है और आप क्या कर रहे हैं, नाराजगी व्यक्त की थी। याचिकाकर्ताओं से जूनियर जो 1200 पुलिसकर्मी थे उनको पदोन्नति दी गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के संबंध में भी ये कहा गया है, प्रमोशन चयन बोर्ड केवल पुलिस अधिकारियों को प्रमोशन दे चुका था तो स्थायी लाभ के रास्ते इस तरह महिला अधिकारी इंडियन आर्मियों के अब खोल दिए गए हैं। रैंक प्रमोशन उनको भी मिलेगा। इस तरह माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अहम निर्णय 13 दिसंबर 2022 को दिया है। जो महिला सेना अधिकारी वुमन आर्मी ऑफिसर है उनकी पदोन्नति पर एक तरह से सहमति दी गई है और अगली अभी कार्यवाही जारी है जिसमें 30 जनवरी 2023 लगी है। तो ये एक महिलाओं के लिए वुमन एम्पावरमेंट के लिए काफी सशक्त मार्ग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश से जारी हुआ है। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आपसे अनुरोध है यदि चैनल पर नए हैं, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़ जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।